करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करके आप अपनी रेंडरिंग की स्पीड को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप जानेंगे रेंडरिंग के वो स्टेप्स जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आप चाहे कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, अगर आप रेंडरिंग स्टेप्स करेक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो फाइल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकता है, जैसे रेंडर क्रैश हो रहा है, रेंडर करने में टाइम वेस्ट हो रहा है या फाइल्स हैंग हो रहा है। ये स्टेप्स फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। रेंडरिंग में सबसे पहला स्टेप है 3D मॉडलिंग। इसमें आपको बेसिक 3D स्ट्रक्चर रेडी करना होता है। नेक्स्ट स्टेप कैमरा सेटअप या सीन सेटअप। कैमरा सेटअप आप कैमरा कंपोजिशन रूल्स के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जैसे रूल ऑफ थर्ड्स, रूल ऑफ सिमेट्री एट्सेट्रा। इस स्टेप में आपको सारे सीन एक साथ सेट करना होगा जिसका भी आप रेंडर निकालना चाहते हैं। कैमरा सेटअप के बाद आता है थर्ड स्टेप, डिटेलिंग। इस स्टेप में आपको 3D स्ट्रक्चर में सारे डिटेल्स ऐड करना होता है। आप जितने डिटेल्स ऐड करेंगे उतना रियलिस्टिक रिजल्ट आपको मिलेगा। डिटेल्स मेरा मतलब जैसे विंडोज़ में प्रॉपर फ्रेम दिखाना, ग्रूव्स जहाँ हैं वहाँ पे भले ही 1mm का भी ग्रूव हो आपको उसे बनाना चाहिए। डिटेल्स ऐड करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जो मॉडल्स कैमरा के सामने हों उसमें आपको डिटेलिंग ज़रूर करना है। कैमरा से दूर जो मॉडल्स हैं उसमें डिटेलिंग करना ज़रूरी नहीं, और 3D मॉडल्स जो भी आप यूज़ करें वो भी रियलिस्टिक हों। फोर्थ स्टेप है टेक्सचरिंग। इस स्टेप में आपको सारे मॉडल्स में कलर्स एंड टेक्सचर्स ऐड करना रहता है। टेक्सचर्स जो आप अपने मॉडल में अप्लाई किए हैं वो ज्योमेट्री के हिसाब से आया है या नहीं उसका ध्यान रखना होता है, तभी मटेरियल अच्छे से रेंडर में दिखेंगे। टेक्सचरिंग में आपको सारे मॉडल्स को चेक करना है कि उनके टेक्सचर्स यूवी मैप के अकॉर्डिंग सेट हुए हैं या नहीं। फिफ्थ स्टेप है लाइटिंग। ये रेंडरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लाइटिंग में बहुत से हिट एंड ट्रायल होते हैं, इसलिए लाइटिंग आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए। लाइटिंग आपका जितना परफेक्ट होगा रेंडर उतना अच्छा आएगा। अपने मॉडल के हिसाब से लाइटिंग करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप है मटेरियल एडिटिंग। इस स्टेप में आपने जितने भी मटेरियल्स मॉडल में अप्लाई किया है उन सब का फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बम्प, डिस्प्लेसमेंट और बहुत सारे सेटिंग्स करना रहता है। हमेशा लाइटिंग को पहले करना सही रहता है मटेरियल एडिटिंग से पहले। दूसरी बात, आपको डाउट हो सकता है कि टेक्सचरिंग और मटेरियल एडिटिंग में डिफरेंस क्या है। तो टेक्सचरिंग में मॉडल के अकॉर्डिंग आपको टेक्सचर मैप करना होता है, और मटेरियल एडिटिंग में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसमें मटेरियल एडिटिंग करना होता है। लाइटिंग हो गया, मटेरियल एडिटिंग हो गया। उसके बाद सेवन्थ स्टेप आता है टेस्ट रेंडर। इस स्टेप में आपको लोअर रिजोल्यूशन रेंडर निकालना रहेगा जो जल्दी से आपको प्रीव्यू दे दे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका रेंडर कैसा दिख रहा है। आप अपनी समझ के हिसाब से और अपने कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लोअर रिजोल्यूशन का रेंडर निकाल सकते हैं। जितना कम रिजोल्यूशन होता है उतना जल्दी रेंडर हो जाता है। बस जो रिजोल्यूशन आप सेलेक्ट करेंगे उसे आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा रेंडर आउटपुट कैसा दिखेगा। टेस्ट रेंडर में आपको बहुत से मिस्टेक्स भी मिल सकते हैं, वो सब ठीक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एट्थ स्टेप है हायर रिजोल्यूशन रेंडर। एक बार टेस्ट रेंडर में अच्छा रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप सारे मिस्टेक्स फिक्स करके हाई रिजोल्यूशन रेंडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट प्रोडक्शन। ये लास्ट और ऑप्शनल स्टेप है, बट मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। आप पोस्ट प्रोडक्शन ज़रूर करें। फाइनल रिजोल्यूशन रेंडर करने के बाद उसको फोटोशॉप करके उसमें कलर एडजस्टमेंट किया जाता है। इस स्टेप में आप अपने मिस्टेक्स भी हाइड कर सकते हैं। फाइनल रिजोल्यूशन रेंडर अच्छा तो लगता है, बट अगर आप फोटोशॉप से उसको थोड़ा कलर ग्रेड कर देंगे तो काफ़ी बेटर दिखेगा। कभी कभी रेंडर्स इतने अच्छे आते हैं कि उसे फोटोशॉप भी आपको करना नहीं पड़ेगा, बट फिर भी फोटोशॉप में ले जा करके उसका कलर एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस एट्सेट्रा आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं एडजस्ट करना। इन सारे स्टेप्स में से कौन से स्टेप का आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं उसमें वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ऐसे और रेंडरिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं लाता रहूँगा ऐसे और भी वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।